किया ही नहीं, तो टीचर भाई इधर 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 तुमने दोनों सवाल का जवाब नहीं दिया है। लड़का बोलता देखो टीचर ऐसा है, जिनको स्वर्ग में जाना उनको स्वर्ग में जाने दो, जिनको नर्क में जाना उनको भी नर्क में जाने दो। मेरी माँ ने बोला स्कूल छूटने के बाद सीधा घर आने का, फिर नहीं जाने का। तो रियली सक्सेसफुल बनना है कि ऐसे हाथों पर चीजें सब बनना है ना, ऐसा नो ऐसा कहा जाता है ना सर की इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है। फर्क सिर्फ ये कि अभी तक कोई जागा नहीं, और ऐसे ट्रेनिंग में आपके अंदर के लीडर को जगाने का कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेनिंग होता है ना, इसके पीछे का मकसद क्या है कि आपके अंदर के लीडर को जगाने के लिए ऐसा ट्रेनिंग किया जाता है। काय के लिए करते हैं सर? बोला बोला ये धंधे में बोलने का ही पैसा मिलता है। आपकी उम्र कितना उसे लेना देना नहीं है। उम्र ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि मेरे को अक्ल ज्यादा है। कभी कभी 60 साल का आदमी ऐसी फालतू बात करता है कि सर उसका कोई मीनिंग ही नहीं, और कभी कभी 10 साल का बच्चा ऐसी भी बात करता है कि सर। तो उम्र को और सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। तो कहां पे था मैं? ये जो मीटिंग करते क्यों करते, क्यों करते? आपके अंदर के जोशी बोली, आपके अंदर के टाइगर, वो जो पावरफुल व्यक्तित्व को छुपा है अंदर, उसको बाहर निकालने, उसको जगाने के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं। काय के लिए करते हैं? जोशी बोलिए, जोशी बोलिए। लेकिन आप लोग जगना चाहते हैं ना? यस यस। तो पता चला सारा जिसको जगाना नहीं था उसको ही जगा दिया सारा। बहुत महंगा गिर जाएगा। गलत व्यक्ति को उठाने से लफड़ा होता है। एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ गलत व्यक्ति को उठाने से कैसा प्रॉब्लम हो। एक बार व्यक्ति को सातारा जाना था, सातारा ये तो मालूम आपको महाराष्ट्र में आता है। और जिसको सातारा जाना था उसने ट्रेन पकड़ ली महालक्ष्मी एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, और सातारा उतरने के बारे में प्लान कर दिया। अभी होता ऐसा है कि वो महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो कोल्हापुर तक जाती है, लास्ट स्टेशन कोल्हापुर है, और सातारा सुबह के 3 बजे आता है। 3 बजे आदमी गहरी नींद में रहता है, तो इसने टिकट दिखा के टीसी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे जगाइए ताकि मैं उतर सकूं। जैसे मैं अभी आपको जगाने आया हूं। उसने किसको रिक्वेस्ट किया? टीसी को। जगाइए ताकि मैं उतर सकूं। टीसी ने बोला आप बिंदास सो जाओ, मैं आपको जगाता हूं। फिर टीसी बेचारा दूसरे लोगों का टिकट चेक करने गया, इसको भरोसा नहीं था, इसने वापस जाके टीसी को पकड़ा। यदि मैं उठू नहीं तो देखो पानी का बोतल है मेरे सर पर डाल दो, लेकिन उठाओ। किसी ने बोला भाई साहब मैंने आपको भरो ना जगाता हूँ, टेंशन मत, मैं जगाता हूँ। फिर आगे क्या, किसी को फिर पकड़ लिया, यदि पानी डालने के बाद भी ना उठू तो देखो मेरा सामान है, बैगेज है, बैगेज ये बैग भी ट्रेन के नीचे फेंक दो और मुझे भी लात मार के निकाल दो। किसी बोला कमाल का पैसेंजर है सर। किसी बोला अभी दिमाग का धी मत कर, सो जा सो जा। वो सो गया, सो गया। सुबह 7 बजे कोल्हापुर आया। अभी उसके आगे तो ट्रेन जाती थी लास्ट स्टेशन, तो एक साफ सफाई करने वाले लड़के ने उसको उठाया, भाई साहब लास्ट स्टेशन है कोल्हापुर, उठिए। ठप करके उठ गया। अगला इतना बोलने के बाद भी सारे किसी ने जगाया नहीं, और मुझे पहुंचना था जल्दी, और मैं पहुंच गया। तो बोला यार पूरा दिन बर्बाद हो गया, पूरा टाइम फूटी हो गया, पूरा पैसा खराब हो गया। अभी मजबूरी में करेगा क्या ना, गुस्से में था भयंकर। अपना बैगेज लिया और सर कोल्हापुर प्लेटफॉर्म पे जा रहा था, भयंकर गुस्से में था। उतने में चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग चाय पी रहे थे, और उसमें वो भी टीसी था। जैसे वो टीसी को देखा इसका गुस्सा ऊपर चढ़ गया, इसने अपना सामान विमान फेंक के उसको गाली देना चालू, भयंकर डेंजर गाली है, बड़ी बड़ी गाली। लेकिन जो टीसी को गाली दे रहा ना उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो चुपचाप चाय पी रहा। तो बाकी लोग बोले, बाकी टीसी बोले इतनी गाली दे रहे कुछ तो बोल, सबको जगाना तो अपनी ड्यूटी है नहीं साला, कुछ तो बोल। वो टीसी बोलता है ये क्या गाली देगा यार, गाली तो वो दे रहा होगा जिसको मैंने सातारा में उतारा। तो बेचारा बोल रहा था मेरा सामान मत देखो, मेरा सामान मत देखो, मेरे को कोल्हापुर जाने का, मेरे को लात मत मारो। ऐसे किसी गलत व्यक्ति को नहीं उठा रहा हूं मैं। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं ना? यस सर। नो यस। तो पहला लेसन लिखिए स्वामी में हमें पैसा कमाने के लिए, पहला तो आपके पास जोश का होना, एक्साइटमेंट का होना, एनर्जी का होना बहुत जरूरी। लिखिए जोश एनर्जी, जोश एनर्जी एक्साइटमेंट। नो मैटर आपका कितना एज है, आपका एज कितना बेटा? तो टाई लगा के 20। वेरी गुड। इधर आना खाली, इधर मैं बोल रहा हूँ क्या, इधर
ये एज में इस तरह की मौका मिलना इसके लिए बहुत बड़ा नसीब लगता है। मुझे अपने उम्र के 28वें साल में मार्केटिंग मिला एट द एज ऑफ 28 ईयर ओल्ड। एक काम कहूँ मैं, इस एज में मिलेगा ना बेटा तो 10 साल में रिटायर हो सकता है, 10 ही साल काम करने का, लेकिन सही जगह पे काम करोगे ना तो 30 में तुम पैसा कमाओगे तो उसको एंजॉय कर सकते हो, उस पैसे को आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे हम अपने को 75 में पैसा मिला, मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन सारा कमर टूटी है, क्या फायदा साला ऐसे गाड़ी का। पैसा मिला 75 में लेकिन डायबिटीज है, परंतु गुलाब जामुन मिलता है खाने में फायदा नहीं करता। तो सही उम्र में पैसा कमाना भी जरूरी है। जाओ तुझे सगले स्टेप पर बरोबर सब ना गलत पैसे कमवायचे। ऐसा नो।